हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त कमाल की मूवी आई है जिसका नाम है द लास्ट वॉइस ऑफ डेमेटर। अब मैंने रिव्यू के अंदर शुरू में ही कह दिया कि बहुत ही जबरदस्त कमाल की मूवी, इसका ये मतलब है कि मूवी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन इस मूवी की रिव्यू के डिटेल के अंदर जाने से पहले और मैं बताऊं कि इस मूवी के अंदर क्या क्या चीज़ें कमाल की हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो लेकिन ना चैनल को लाइक करते हो ना उसको सब्सक्राइब करते हो, तो ये दोनों काम कर लिया करो यार, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवीज जो हिंदी डब के अंदर आती है उसकी रिव्यू लेकर आता हूँ। ये मूवी भी आप लोग देखोगे तो आपको हिंदी डब के अंदर मिल जाएगी। हाँ, इसका हिंदी डब जो है ना वो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल हिंदी डब के अंदर आप मिल जाएगी। आपको पता है जब आप सर्च करोगे हिंदी डब लिख के तो गूगल में ही आपको मूवी मिल जाएगी। तो चले चलते हैं आज की इस मूवी की तरफ। तो मूवी की स्टोरी जो है ना वो ये होती है कि क्रेपेटिया इलाके से एक शिप जो है वो जा रही होती है लंदन की तरफ, और वहाँ पे कुछ सामान लोड होता है जो लंदन जाना होता है। उस सामान के अंदर जो है असल में एक ड्रैकुला होता है, और उसके साथ बॉक्सेस में एक लड़की होती है। अब इस शिप के अंदर जो है ना एक डॉक्टर भी जा रहा होता है, जो हमारा मूवी का मेन लीड जो हीरो होता है वो इसके अंदर जा रहा होता है। तो वो देखता है, उसको पता चलता है कि भाई इस शिप के अंदर जो है ना कुछ हादसे हो रहे हैं, कभी कोई मर रहा होता है, कभी कोई मर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है तो वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। लेकिन एक दिन उसको बॉक्स से एक लड़की मिलती है और उस लड़की के अंदर जो है ना बिल्कुल खून खत्म हुआ होता है, उसकी बॉडी में खून नहीं होता। तो ये क्या करता है, बोलता है भाई इसको खून देना पड़ेगा। तो वो अपना खून, अब पुराने ज़माने की फिल्म है तो दिखाते हैं कि अपना खून उसको देता है ताकि वो जिंदा हो। वो लड़की जब जिंदा होती है तो फिर वो सबको बताती है कि हाँ, इस शिप के अंदर जो है ना वो एक ड्रैकुला है और उसने मेरे ऊपर इतने सालों से जो है ना वो जुल्म करा, मुझको इसलिए लेके वो जा रहा है। उसके बाद आप जब ये देखोगे ना मूवी, आप बोलोगे यार वाकई बहुत ही दिनों बाद जो है ना ऐसी कमाल की मूवी देखने को मिली है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि एक अच्छी मूवी की जो है ना वो खासियत ये होती है कि जब आप उसको देखने बैठो और टाइम का पता नहीं चले कि टाइम यूँ निकल गया, तो आप समझ जाओ कि ये मूवी बहुत कमाल की है। तो इस मूवी को भी जब आप देखोगे ना तो आपके साथ ऐसी होगा, आप बोलोगे यार बहुत कमाल की वीडियो आ गई है, बहुत कमाल की मूवी हमने देखी, बहुत इंजॉय होगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। और मूवी के एंड तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा जब मूवी एंड हुई होगी कि इसका शायद पार्ट टू भी आएगा। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन मूवी का जो थ्रिलर वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, आप जब देखोगे तो एंजॉय होगा। तो दोस्तों बस मैं चलता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मैं आप लोगों के लिए हॉलीवुड की मूवीज़ हिंदी डब के अंदर जो आती है उसकी रिव्यू लेकर ऐसे ही आता रहूँगा।